असलकुम डर स्टूडेंट क्लास फोर्थ तो आपका चैप्टर नंबर आपका लास्ट है टेन रिविजन चल रहा है टी टू का तो आपको लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर दे, दे देंगे आज हम तो इसके बाद आपका ट्वेंटी सिक्स एग्ज़ाम भी चल रहा है तो आपको याद करना है हमेशा तो आपका पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वट डू यू मीन बाई होम कमांड इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको दूसरा तीसरा बार रिविजन कर रहा हूँ तो फिर से भी हम आपको रिविजन में आपको क्वेश्चन आंसर दे दूँगा तो आपको होम कमांड में है

अप्लाइड टू मेक द टल्स डिज एपियर फ्रॉम द सिक्रींस हैव एन क्लियर वे ऑफ द ड्राइंग तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर एस टी कमन इज अप्लाइड टू मेक द टल्स डिज एपेयर्स फ्रॉम द सक्रींस हैव ए क्लियर वे ऑफ द ड्राइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड वट डू यू वी वट डू वी नीड टू यूज द सी एस कमन तो आप सी एस कमन आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी एज कमन इन द इनपुट बॉक्स इन द प्रेस द इंटर की ऑल द लाइन आर ड्राइंग ऑन द विल विल बी यू सी ब्लैंक दिक्रींस विद द एट होम पोजिशन तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सी एस कमन इज द इन द इनपुट बॉक्स इन द प्रेस द इंटर की ऑल द लाइन्स आर ड्राइंग ऑन दिक्रीन्स विल सी ए ब्लेंग्री विद द टटल एट होम पोजिशन क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द यूज ऑफ द सीध कमन तो आपका सीध कमन है आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर का सीध कमन हेल्प यू टू टर्न विदाउट यूजिंग द आर टी आर एल टी कमन तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर सीध कमन हेल्प यू टू टर्न विदाउट यूजिंग द आर टी आर एल टी कम तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीटेड इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑलरेडी ऑप्शन डाला हुआ है मैंने आपको बुक्स में भी आपको यहाँ पे आप लिखा हुआ है तो आपको यहाँ से याद करना है तो आपका फिलिंग्स में एस टी ऑप्शन है सी एस सी कंप्यूटर लोगो तो आपका पहले में आगा सी एस का मान इज़ यूज टू एर ऑल द प्रोस लेंस फ्रॉम द स्क्रीन यहाँ पे सी एज आएगा दूसरे में एस टी कॉमन आएगा एस टी कॉमन इज मेड टू तो ट्रटल्स अपियर्स अगेन ऑन द स्क्रीन इसके बाद है थर्ड में है यू कैन ड्रा इन फिगर्स एंड डू एर्थमेटिक लोगो यूजिंग द लोगो ऑफ प्रेमेटिव यहाँ पे आपको लोगो आएगा थर्ड में चौथे में आपका सीध सीध कामन ने हेल्प यू द टाइटल्स विदाउट द आर टी आर एल टी कमांड यहाँ पे सीध आएगा क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फिल इन द द्लेंस में फिफ्थ में है एम एस लोगो इज अनी एज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर रहेगा पहले में सी एज दूसरे में आपका एस टी कमांड तो इसके बाद है तीसरे में है लोगो एंड पाँच चौथे में एंड पांचवें में है, पांच है कंप्यूटर तो आपका राइट एंड ट्रू ट्रूफा क्वेश्चन नंबर आपका सी पार्ड है आपको पहले में है इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए बेग आपको ये फाल से पहले में दूसरे में वन यू रंस द एम एज लोगो यू फाइंड द टल्स इन देंटर ऑफ द ग्राफिक स्क्रीन ये आपका ट्रू है क्वेश्चन नंबर सी का दूसरा क्वेश्चन नंबर सी का राइट एंड ट्रू फॉल्स का तीसरे में एस टी हिट द टर्टल्स फ्रॉम द स्क्रीन ये आपका ट्रू है इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सी का फोर्थ है एस टी मेक द टर्टल्स अपीयर्स अगेन ऑन द स्क्रीन ये भी आपका फॉल्स है तो इसके बाद पाँचवा है सीट कमन इज फ्रेश बाय द नंबर नंबर ऑफ द डिग्रीज तो तो आपका ये फाल है पहले में है आपका ये फाल्स है दूसरे में आपका ट्रू है तीसरे में आपका ट्रू चौथे में आपका फाल्स एन पाँचवें में भी आपका फाल्स ये आपका ट्रू फाल्स से चैप्टर नंबर टेन का इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक कि फार्मेटिव इस्टेटमेंट फार्मेसिटी में आपका नेम एंड लोगों का नाम लिखना है टटल्स टू इट इज द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ टटल लिखना है आपको दूसरे में मेकिंग द टल्स रिपेयर ऑन द स्क्रीन तो आपको शो ऑफ द टटल लिखना है इसके बाद आपका थर्ड में मोविंग द टटल्स हिट इन द डायरेक्शन ऑफ इट इज हिट एंड मोमेंट टटल लिखना है इसके बाद फोर्थ है एरेजिंग द स्क्रींस टू मेक यूर एंड क्लियर फॉर द न्यू ड्राॅइंग तो क्लियर ऑफ द स्क्रीन लिखना है क्लियर स्क्रीन लिखना है इसके बाद है पाँचवें मेकिंग द टर्टल्स डिज इसमें हिट ऑफ टर्टल लिखना है तो आपको पहले में है लेफ्ट ऑफ टर्टल दूसरे में शो टर्टल्स तीसरे में मोमेंट टर्टल्स इन चौथे में क्लियर स्क्रीन इसके बाद लास्ट में है हिट का तो इसी के साथ ये आपका इसके बाद आपका एक ड्राइंग आता है वो एक्टिविटीज़ का वो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है तब तक यहाँ पे मैं अख्ताम करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट अब टी टू ट्वेंटी सिक्स से आपका चल रहा है तो आपको हमेशा याद करना है सभी किताबों को आपको देखना है तो आपको हमेशा अपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इख्तिताम करना चाहता हूँ अल्लामक वरहि वरकता